क्या बोलती कंपनी, आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी। अरे साहब तुम पैसे की तो बात ही मत करो, क्या बताऊँ मैं तुमको, पैसे तो मेरे पास बहुत है साहब। पता तुमको 15 लाख तो मेरे मोदी जी के पास पड़े हैं। हाँ, और 5 बोरी आलू मैंने राहुल जी को दे रखे हैं। वो बोले भैया भैया हम आलू से सोना बना देंगे। तो 5 बोरी का सोना कितना बनेगा पता है? जब तक मोदी जी 15 लाख मेरे खाते में नहीं डालते तब तक उनको प्रधानमंत्री के पद से हटने नहीं दूंगा साहब। और दादा जब तक राहुल जी मेरी 5 बोरी आलू का सोना बना के नहीं दे देते तब तक उनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। अम्मा इस बार कौन जीतेगा? फूलवारो जीतेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि पंजा जीतेगा। अम्मा की माँ का भूसड़ा बाकी पंजा वाले की बहन की लवड़ी। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम? तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। आता हूँ दूर से चलाता हूँ गन, लोग मुझे कहते हैं अजय देवगन। बढ़िया ये अजय देवगन, तुझे नहीं तो हमका सारी आवाज है। सुनावा सुनाई। हाँ। आती हूँ दूर से बजाती हूँ गिटार, लोग मुझे कहते हैं पक्की छिना। सुनो जी। हाँ क्या होगा? एक बुराई खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर जा है कि हमारे बाल्टी में फोन गिर गया। अब इन लोगों तो 25,000 को। अच्छी खबर जा है कि बाल्टी में पानी नहीं आता है। सिगरेट पिला? कौन सी धूप? अरे जिसमें से धुआं निकले। अरे धुआं तो सब में से निकलता है, नाम बोलो। सलीम भाई सिगरेट का नाम बोलो। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे अंडे का रेट बढ़ रहा है। अंडे का रेट सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुर्गी नॉर्मल डिलीवरी ना, बड़े ऑपरेशन से दे रही हैं।